दोस्तों आज हम 3 HP की मोटर जो कि आपके सामने पड़ी हुई है उसके कनेक्शन आपको दिखाएंगे और समझाएंगे अच्छी तरीके से किस प्रकार से इसके कनेक्शन करना है। तो हमने ले ली है एक तो डोरी जो हमने कनेक्शन वायर से लीड निकालनी है सर्विस लाइन में देनी है। उसके बाद में हमारे पास में 2 आगे कैपेसिटर 25 MFD और 225 MFD दोनों कनेक्शन हमारे पास में आ चुके हैं। उसके बाद में कुछ ये वायर हैं जैसे कि एक वायर ये कलज गया है और दूसरा वायर दोस्तों इसमें ये ब्लैक वाला ही कलज गया है। तो अब हम इससे एक पे टेप मार लेते हैं, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्योंकि इसमें रनिंग वायर भी ब्लैक ही है इस वजह से। थोड़ी हम टेप लगा कर आपको दिखाते हैं। और दोस्तों हमने बहुत दिनों से इस पर वीडियो नहीं डाली थी तो दोस्तों ये मत समझना कि चैनल हमने बंद कर दिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने इस पर टेप मार दी और इस पर भी टेप मार देते हैं तो पता रहे कि ये कलज गए हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सीधे सीधे कनेक्शन है बहुत ही इजी। काफ़ी लोग इसमें हैरान हो जाते हैं कि इसके कनेक्शन किस प्रकार से होंगे। हमारे पास में जो कनेक्शन की फाइबर लगी हुई थी वह टूट चुकी है इसको वाइंडिंग करते समय है। तो हम इसके डायरेक्टली कनेक्शन करेंगे सीधे सीधे कनेक्शन। यहाँ पर जो आपको 2 वायर दिखाई दे रहे हैं ये दोनों वायर हैं रनिंग के, ब्लैक वाले रनिंग के 2 वायर हैं स्टार्टिंग के, 2 वायर हैं कलच के, 2 वायर हैं 200-250 के, 2 वायर हैं 20 MFD के, 2 वायर हैं कनेक्शन लीड के। तो चलिए पहले हमें रनिंग वायर उठाना है और फिर स्टार्टिंग वायर को उठाना है जो कि दोस्तों ये वाला हमने उठा लिया। यहाँ से दोनों को कॉमन कर दिया कुछ इस प्रकार से, इस पर कनेक्शन लीड निकाल दी, कनेक्शन लीड निकाल दी, ये वायर ये तो हो गया कनेक्शन एक स्टार्टिंग और रनिंग और सर्विस डोरी। दूसरा अब हम कैपेसिटर वाला कनेक्शन पहले करेंगे। तो इसमें क्या है कि दोनों कैपेसिटर वाले रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर का वायर हमें यहाँ पे लेना है, ले लिए और 2 को खुला छोड़ना है। उसके बाद में हमें यहाँ से स्टार्टिंग है नीला वाला, यहाँ पे जो कलज वाला वायर है इसको शामिल करेंगे 2 वायर, और एक वायर यहाँ पे 25 MFD का शामिल करेंगे। इस प्रकार से यहाँ हो जाते 3 वायर, स्टार्टिंग में 3 वायर हो गए। जैसे कि एक तो कलज का वायर है रेड वाला और एक 25 MFD का, यानी कि 3 वायर तो ये हो गए। इनको एक तरफ कर देंगे या फिर टेप लगा देंगे। चलो आगे की प्रोसेसिंग, यहाँ से हम 200-250 लेते हैं और एक कलज का वायर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको कनेक्टिंग कर देते हैं, ये भी हो अपना फ्री। वायर देखते हैं कौन सा बचा, एक वायर यहाँ पे जो रनिंग वाला है वो बचा और शायद दूसरा वायर, 2 वायर यहाँ पे 200-250 और 20 MFD के 2 वायर हैं जो यहाँ पर से हमें रनिंग में लगाना है। यहाँ से रनिंग में ये हमने लगा दिया है और हमारी सर्विस डोरी है, हमारी सर्विस डोरी है उसको भी रनिंग में लगाना है। यानी कि यहाँ पर 4 वायर हो जाते हैं देखे जाए तो। दोस्तों कनेक्शन लीड रनिंग वायर से निकालनी है, इधर कॉमन पर रनिंग वायर से निकालनी है, ठीक है। अगर उल्टी घूम जाए आपके मोटर तो यहाँ से स्टार्टिंग वायर को चेंज कर सकते हो या फिर रनिंग वायर को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से हम एक बार आपको फिर से समझाएंगे कि किस प्रकार से हमने कनेक्शन किया था। यहाँ से दोस्तों ये कलज है, कलज के 2 वायर निकल कर आ रहे हैं। उस पर आपको करना क्या है, जो एक 200-250 कंटेनर है जिसका एक वायर ही लगाना है, एक ही वायर पर जो हमने लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा वायर वापस निकल के आ रहा है उसको हमें स्टार्टिंग में देना होगा क्योंकि जो यहाँ से जो ये वायर कंडीशनर का एक वायर जाएगा ये डायरेक्ट स्टार्टिंग पे लगा सकते हैं हम, पर क्या है मोटर को जला सकता था इस वजह से घुमा कर
तब एक ही बार टच हो, वापस टच ना हो। जैसे कि ग्रीन बटन आता है, उस पर भी एक ही बार टच होता है जब हम समर्सिबल मोटर को चलाते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्लच का सिस्टम है, उसमें हाथ से चलाना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिक है। इस वजह से हम इस वायर को घुमा कर यहाँ लेके आए हैं। जैसे कि ये क्लच का वायर है, आप चाहे तो इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, पर नहीं लगा सकते क्योंकि ये रन स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग मोटर को जला सकता है। इस वजह से हमें इसको क्लच के थ्रू घुमाकर बाहर निकालना पड़ता है। तो हमने लगा दिया। वैसे तो इसमें कंडीशनर लगता है रनिंग और स्टार्टिंग पे। देख लीजिए यहाँ से 20 MFD, यहाँ से 20 MFD के दो वायर आ रहे हैं, एक रनिंग पे लग रहा है, देख लीजिए एक रनिंग पे लग रहा है, एक स्टार्टिंग पे लग रहा है। यहाँ से 200-250 के दो वायर आ रहे हैं, यहाँ पे एक रनिंग पे लग रहा है और घूमकर स्टार्टिंग पे लग रहा है। कुछ यही कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमने आपको बताया था उल्टी सुलटी घूम जाए तो यहाँ से या तो रनिंग वायर को इस वायर में डाल दो और इस वायर को इसमें डाल दो। अगर इस प्रकार नहीं करना चाहते आप तो स्टार्टिंग वायर को इसमें, इसी स्टार्टिंग वायर को इधर, सेम यही कनेक्शन होते हैं। अब हम इस पर टेपिंग मार लेते हैं। वीडियो को इतना शेयर करें, इतना लाइक करें ताकि हर मैकेनिक या अनजान व्यक्ति जो कोई भी घर पे कनेक्शन भी कर सकता है, अगर कोई कनेक्शन छूट जाए 200-250 या 20 MFD कैपेसिटर ख़राब हो जाए, इस वजह से हम आपके घर तक ये वीडियो पहुँचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर करना, धन्यवाद।